स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसका नाम है जानकारी मैटर्स। जैसा कि हमें पता है कि जल्द ही ई शिक्षा कोर्स ऐप के थ्रू जो है वो टीचर का अटेंडेंस बनेगा, उसी को लेकर यहाँ पे एक अपडेट आई है। जिले के 3486 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को मिलेगा टैब। पटना की बात हो रही है, पटना जिले के 3486 स्कूलों प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापकों को शिक्षा विभाग की ओर से एक एक टैब दिया जाएगा। इस टैब के माध्यम से प्रतिदिन शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति सहित मध्याह्न भोजन की जानकारी ली जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति की रिपोर्ट नहीं ली जाएगी, बल्कि अब यह सारा कार्य तकनीकी आधारित प्रतिदिन की उपस्थिति शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप से किया जाएगा। सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षक अपने टैब या मोबाइल में ई शिक्षा कोर्स ऐप डाउनलोड करेंगे। इसके बाद सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षक अपने आईडी से ई शिक्षा कोर्स ऐप पर लॉगिन करेंगे। शिक्षक ऐप में मौजूद सिस्टम के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की उपस्थिति ससमय दर्ज करेंगे। ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक को विद्यालय से 500 मीटर की परिधि में रहना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि निरीक्षण कर्मी स्कूल पहुंच गए हैं और शिक्षक के गेट पर पहुंचते पहुंचते एक दो मिनट का समय लग जाता था और उन्हें निरीक्षण कर्मी अनुपस्थित मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूलों में किचन शेड तैयार करने को खर्च होंगे 32 करोड़। बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने का की जिम्मेवारी शिक्षा सेवक की। यहाँ देख सकते हैं टैब दिया जाएगा और शिक्षक अपने टैब या मोबाइल से लॉगिन करेंगे ई शिक्षा कोर्स ऐप में अपने टीचर आईडी के थ्रू और 500 मीटर के परिधि में मतलब कि अपने विद्यालय के 500 मीटर परिधि से ही वो अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।